तो गाइज आप लोग भी इसी प्रकार की वायरल रील्स बनाना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस पर कितनी भर भर के लाइक्स आई हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक पेज को ओपन कर रखा है AK47 सायरी नेम से। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी वीडियो पर कितने अधिक व्यूज़ आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए ये वाली वीडियो पर 1 मिलियन प्लस व्यूज़ गए हैं। एंड इनकी ऐसे ही 2-3-4 वीडियो और हैं जिन पर मिलियन में व्यूज़ जा चुके हैं। एंड आप लोग भी इसी प्रकार की रील्स को बनाकर अपनी आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके भी फॉलोवर्स जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ हो सके। तो कैसे वीडियो बनानी है आज की इस वाली वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं, तो वीडियो जो है शुरू से एंड तक पूरा देखना। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं हमारी फ़ोन की होम स्क्रीन पर। एंड गाइज यहाँ पर जो एडिटिंग सीखने वाले हैं हम लोग एलाइट मोशन एंड कैपकट में सीखने वाले हैं, तो इन्हें आप लोग ना टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ इसे ज्वाइन भी कर लेना। एंड यहाँ से आप लोग एलाइट मोशन एंड कैपकट को डाउनलोड भी कर लेना। उसके बाद गाइज यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आप लोग को एक ऐड शो हो रहा है, इसको यहाँ पर हम कट कर देते हैं। ओपन हो गया है, यहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट देखने को मिल रहा होगा, पहले आप लोग को इसको डिलीट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन होने लगेगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, देन ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को इसके इमेज के साइज को यहाँ पर चेंज करना होगा, तो आप लोग यहाँ पर इमेज साइज पर जाना है। एंड यहाँ पर पहले आप लोग को इसको 1200 कर देना है, एंड इसको हम यहाँ पर 2400 कर देते हैं 2400। एंड यहाँ पर आप लोग को ओके कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को फोर्थ ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आना है। एंड यहाँ पर आप लोग को कलर का ऑप्शन शो होने लगेगा, इस पर आना है। एंड यहाँ पर आप लोग को पहले तो ग्रेडियंट एंड कलर के 2 ऑप्शन शो रहेंगे, कलर वाले ऑप्शन पर आना है एंड ब्लैक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को ऊपर प्लस वाला एक आइकन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है एंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग इस पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैंने पहले से एक सायरी को जो यहाँ पर ले रखा है, अगर आप लोग चाहें तो इन्हें क्रोम से सर्च कर सकते हैं एटीट्यूड सायरी, तो वहाँ से भी आप इन्हें ले सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी जो है इमोजीज लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जो वीडियो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे सायरी जो है हमारी। यहाँ पर इमोजी वाले सेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं ये 2 इमोजीज यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसे 2 लाइन्स में कर लेते हैं। अब आप लोगों को सेकेंड वाले ऑप्शन पर आना है एंड यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन होने लगेगा फाउंड का, इस पर आ जाना है। गाइज़ यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से भी किसी को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं खंड बोल्ड का यूज़ कर रहा हूँ, ये आप लोग को टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट साइज का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आना है एंड इसके साइज को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। एंड इसके बाद गाइज़ यहाँ पर आप लोग को फिर से प्लस वाला आइकन पर जाना है एंड गैलरी में जाना है, और ये वाली इमेज मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पर हम इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से अपने इस वाली इमेज को यहाँ पर लगा लेना होगा। एंड यहाँ पर गाइज आप लोग अपने टेलीग्राम का जो नेम है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले मैं अपने टेलीग्राम का नेम लिख देता हूँ। एंड इसके बाद गाइज इसको आप लोग को नीचे यहाँ पर सेट कर लेना होगा एंड इसके साइज को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आप लोग चाहें तो अपने टेक्स्ट का जो कलर है इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, लेयर वाले ऑप्शन पर जाइए एंड जो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट है इस पर हम लोग आ चुके हैं अब, एंड इसको यहाँ पर हम लोग साइड कर देते हैं। अब इसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पर जाना है एंड जिस भी वर्ड को आपको हाईलाइट करना है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, देन कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, तो आपका कलर जो है यहाँ पर चेंज होने लगेगा। एंड इसको भी यहाँ पर रेड कर देता हूँ। एंड यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पिक्सल लैब में काम हो चुका है। इसके बाद गाइज इसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है एक्सपोर्ट इमेज का, इस पर क्लिक करना है एंड सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। उसके आप लोगों को अपने फ़ोन में एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोग को नीचे ऑप्शन शो हो रहा होगा प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग को 9:16 को सेलेक्ट कर लेना होगा एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पर चले जाना है। इस पर आते ही गाइज यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा, मीडिया में जाना है एंड अभी जो हमने पिक्सल लैब से अपनी सायरी लिखी थी उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आना है एंड फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग को फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है एंड मीडिया वाला ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर आप लोग को कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना होगा
जिसका भी आप लोग साउंड लेना चाहते हैं, उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है एंड थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन होने लगेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो हमारी वीडियो की जो ऑडियो थी वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गई है। इसके बाद गाइज यहाँ पर हम जो वीडियो ली थी हमने इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं एंड इसके बाद गाइज हमारी जो शायरी थी उसको हम लोग साउंड के अकॉर्डिंग लास्ट तक कर देते हैं एंड यहाँ पर आप लोग को अपनी शायरी पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन हो रहा होगा नीचे इफेक्ट्स का, इस पर आना है एंड एड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर आप लोग को जी सर्च करना है तो आप लोग को सबसे ऊपर वजन ब्लर का एक ऑप्शन होने लगेगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। अब गाइज यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना तभी आपकी जो वीडियो है बिल्कुल एडिट हो पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसको जीरो कर देना स्ट्रेंथ को इसकी एंड यहाँ पर आपको की फ्रेम का एक ऑप्शन हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी शायरी को आगे बढ़ाना है एंड यहाँ पर आपको एक सेकंड पर आ जाना है एंड इस पर आने के बाद गाइस यहाँ पर हम इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे 0.400 तक हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं एंड इसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना होगा बिल्कुल एंड यहाँ पर आके आपको इसको जीरो कर देना है। यहाँ पर आप लोग का ये वाला काम हो चुका है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फिर से इस पर आना है एंड इफेक्ट्स में जाना है। अब आप लोग को एक इफेक्ट और ऐड करना होगा, W जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने वेव एंड ड्रॉप का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है। इसके आने के बाद गाइस यहाँ पर हम इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है एंड यहाँ पर आप लोग को फेस देखने को मिल रहा होगा, इसको यहाँ पर हम लोग को 2.00 तक कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया है एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको की फ्रेम पर क्लिक कर देना होगा, आपको अपनी वीडियो के लास्ट में आ जाना है एंड यहाँ पर भी आप लोग को की फ्रेम पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को बैक आना है एंड इसको जो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं एंड यहाँ पर आपका काम हो चुका है। इसके बाद गाइस फिर से आप लोग को अपने इस पर आना है, इफेक्ट्स में जाना है एंड अभी हमें फिर से वेव रेप में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन शो होगा स्पेसिंग का, इस पर आना है एंड इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं। आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कर लेना जितना भी आप लोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 4 रख लेता हूँ 4.0 एंड इसके बाद आप लोग को मैग्नीट्यूड में आना है एंड इसको भी यहाँ पर हम लोग डिक्रीज़ कर लेते हैं एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो गई है। पहले हम इस वाली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं तभी मैं आप लोग को आगे इसमें ब्लर इफेक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जब तक गाइज वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है यार, तो ज़रूर से लाइक कर देना। एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले यहाँ पर आप लोग को कोई भी एक VPN को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमने एक VPN को जो यहाँ पर ओपन कर लिया है एंड इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं टैप टू कनेक्ट पर। तो यहाँ पर हमारा जो VPN है वो अदर कंट्री से यहाँ पर कनेक्ट होने लगा है। आप लोग को VPN प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना एंड गाइज यहाँ पर हमारा जो VPN है वो कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करना है एंड यहाँ पर आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इस पर आने के बाद गाइज जो अभी हमने एलाइट मोशन से वीडियो एक्सपोर्ट की थी उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है देन एड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इस पर आने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग को एंड में कैपकट का लोगो शो हो रहा होगा, इसको डिलीट कर देना है एंड यहाँ पर आप लोग को इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाना होगा एंड वीडियो इफेक्ट पर जाना है एंड अगर गाइज यहाँ पर आप लोग का VPN कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आपके सामने नो डाटा शो करने लगेगा, इसलिए आप लोग को पहले VPN को कनेक्ट कर लेना होगा एंड इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बेसिक वाले ऑप्शन पर आना है एंड यहाँ पर आप लोग को मोशन ब्लर, हेलो ब्लर एंड डायमंड ब्लर के ऑप्शन होने लगेंगे। आपको किसी एक को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं एंड गाइज यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो बनकर तैयार हो जाएगी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं एंड इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दे रखा है एक्सपोर्ट का, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पर हमारी वीडियो जो है एक्सपोर्ट होने लगेगी। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आज की वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे मुझे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।